अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि फॉरेन से फेमस डिजाइनर स्कारलेट आ रही है और अभी वो गू ग्रुप की चीफ डिजाइनर बनने वाली है जिसकी सैलरी होगी 50 मिलियन। ये है हमारी फीमेल लीड रुई रुई जो अपने 5 बच्चों को लेके आ रही थी। जिनजिन कहती है मॉमी हम कंट्री वापस डैडी को ढूंढने आए हैं। रुई रुई कहती है अब मैं तुम लोगों को अपनी इनकम से जो चाहिए होगा वो दिला दूंगी। बावो कहता है तो हमारे लिए डैडी ढूंढ लाना। बीबे कहता है इसके लिए तो थोड़े और पैसे कमाने होंगे। हुआनवन कहती है सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सिंगल हो। वहीं पे कुछ लोग बात करते जा रहे थे कि वेन फैमिली की बेटी वेन लैंग की शादी होने वाली है तो रूरू ही अपने पास्ट को याद करने लगी थी जब वेन लैंग ने उसे टली करके होटल रूम में छोड़ दिया था अब मिस्टर चैन को सर्व करना। बट उसकी हाफ सिस्टर वेन लैंग के जाते ही वहां पर हमारा हीरो मिस्टर गुयन आ गया था। रूरू कहती है तुम क्या कर रहे हो। गुयन कहता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और उसे किस करने लगा था तो दोनों का वन नाइट स्टैंड हो जाता है। फिर जब रूरू घर आती है तो उसके डैड उसे मारते हैं तेरी वजह से हमारा कितना लॉस हो गया तू भाग गई थी मिस्टर चैन अब हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। रूरू कहती है मैं भी आपकी बेटी हूँ पर आपने अपने फायदे के लिए मुझे क्यों बेचा। डैड कहते हैं तुझे मिस्टर चैन से माफी मांगनी होगी वरना तुझे वैन फैमिली से निकाल देंगे। रूरू खुद को छुड़ा रही थी पर खींचतानी में उसका सिर टेबल से लग के वो बेहोश हो गई थी। वैन लैंग और डैड डर जाते हैं कि कहीं ये मर तो नहीं गई। तभी नौकर आके बताता है कोई मिलने आया है। वो कहते हैं कहीं पुलिस तो नहीं आई बट वो बताता है कि ये तो गू फैमिली वाले हैं। फिर घर के बाहर गू फैमिली की बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और फिर मिस्टर गुया निकलता है। वेन फैमिली से कहता है मैंने इन्वेस्टिगेट किया था ये जेड पेंडेंट तुम्हारी वेन फैमिली का ही है जो कल रात मेरे साथ लड़की थी क्या वो तुम थी। वेन लैंग समझ आती है यानी रुई रुई का मिस्टर गुयन के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ है पर झूठ बोल देती है हाँ वो मैं थी। मिस्टर गुयन कहता है तो गू फैमिली की तरफ से आपको ये 1 मिलियन और ये सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। दोनों बाप बेटी बहुत खुश होते हैं कि बस उस रुई रुई को ठिकाने लगाना है सारा मामला क्लियर हो जाएगा। पर अंदर आकर देखते हैं रुई रुई वहां से गायब थी। फिर हम कुछ टाइम बाद दूसरे सीन में रुई रुई को देखते हैं जिसकी बेबी डिलीवरी हो रही थी। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था क्योंकि वो एक साथ 5 बेबीज को जन्म देती है और कहती है वेन लैंग तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी अब देखना मैं तुझे तेरी शादी पे क्या गिफ्ट देती हूँ। बाबा कहता है मम्मी ये काम मुझ पे छोड़ दो। असिस्टेंट मिस्टर गुयन से कहता है बॉस कल आपकी और वेन लैंग की शादी है और आप अभी भी ओवरटाइम कर रहे हो। गुयन कहता है मेरी शादी अभी हुई नहीं है। तभी वहाँ एक डिलीवरी वाला बड़ा सा बॉक्स दे के जाता है। असिस्टेंट खोलने वाला था पर उसमें से बाबो निकलता है डैडी मैं आ गया। गुयन हैरान क्या कहा तुमने। बाबो कहता है तुम मेरे बायोलॉजिकल डैडी हो और तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो तो प्लीज ये शादी तोड़ दो। गुयन कहता है लगता है तुम गलत समझ रहे हो तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। असिस्टेंट कहता है लगता है किसी का बच्चा अंदर घुसा है मैं इसे बाहर निकालता हूँ। तभी रूरू भाग के आती है सॉरी ये मेरा बच्चा है। बाबा चलो मॉमी के साथ। बाबा कहता है नहीं मॉमी अभी तो मुझे डैडी मिले हैं। वो सोचने लग जाती है ये तो वही है ना जिससे कल वेन लैंग की शादी होने वाली है मेरा बॉस। गुयन कहता है तुम तो गू कंपनी की न्यू चीफ डिजाइनर हो ना स्कारलेट। रुई रुई सॉरी बोल के जाने लगी थी बट वो उसके नेक पे वही निशान देख लेता है जो उस टाइम वन नाइट स्टैंड वाली लड़की के भी नेक पे था तो कहता है रुको क्या हम पहले कभी मिले हैं। रुई रुई कहती है तुम्हारी मेरी हाफ सिस्टर वेन लैंग से शादी होने वाली है तो तमीज से पेश आओ। वो कहता है तुम भी वेन फैमिली की बेटी हो और सोचता है कहीं वो वन नाइट स्टैंड वाली वेन फैमिली की बेटी यही तो नहीं है। बाबा कहता है डैडी प्लीज किसी और से शादी मत करो ना। तो गुयन उसे गोद में उठा लेता है क्यों ना तुम पहले मुझे किस करो। बाबा उसे धड़ाधड़ किस करने लगा था। गुयन सोचता है अगर वन नाइट स्टैंड वाली यही हुई तो ये बच्चा भी मेरा ही होगा और पूछता है तुम कितने साल के हो। रुई रुई उसे रोक रही थी बट बाबा बता देता है मैं 5 साल का हूँ। बट रुई रुई बाबा को पकड़ के ले जाता है। गुयन कहता है असिस्टेंट मेरे फेस पे सलाइवा का डीएनए टेस्ट करवाओ। असिस्टेंट कहता है पर आपकी तो शादी वेन लैंग से होने वाली है। गुयन कहता है उसके नेक पे कोई निशान नहीं था मुझे शुरू से उस पे शक था। असिस्टेंट कहता है तभी तो आपने इतने साल से वेन लैंग को कभी टच भी नहीं किया। रुई रुई कहती है बाबा थोड़े लो लेवल का डैड ढूंढो जिससे मुझे तुम्हारा डैड बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए वो मेरा बॉस है। बाबा सोचता है मम्मी को कैसे बताऊं कि वही मेरा रियल डैडी है और कहता है मुझे तो डैडी की पोजीशन के लिए वही पसंद है। रूरी कहती है वो हैंडसम और रिच है बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं तो वो तुम्हारा अच्छा डैड नहीं बन पाएगा। फिर वेन लैंग की अपनी शादी में एंट्री होती है गर्ल्स उसकी ड्रेस की तारीफ करती हैं तो कहती है हाँ हाँ मिस्टर गुयन ने मेरे लिए फॉरेन से सबसे फेमस डिजाइनर स्कारलेट को बुलाया है।
वो तो हमेशा मुझे महंगी महंगी चीजें गिफ्ट करता रहता है। डिजाइनर स्कारलेट भी हमारी शादी में एज ए गेस्ट आएगी। गर्ल्स कहती हैं, तू कितनी लकी है, और एक तेरी हाफ सिस्टर है जो भाग गई थी और सुना है किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी। तभी होस्ट फेमस डिजाइनर स्कारलेट को बुलाता है और स्कारलेट की एंट्री होते ही सब लोगों के होश उड़ गए थे कि ये तो रुई रुई है। वेलन कहती है, तू अभी तक मरी नहीं, और सोचती है मुझे इसे गुयन से मिलने से रोकना होगा, और कहती है कोई बाहर वाला मेरी शादी में अलाउड नहीं है, निकल यहाँ से। बट रोई रोई उसके थप्पड़ मार देती है। वेलन बॉडीगार्ड्स को बोल के उसे बाहर निकलवाने वाली थी, पर तभी वहाँ पर गुयन आ जाता है। ये मेरी गेस्ट स्कारलेट है, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। वेलन हैरान है, स्कारलेट कैसे हो सकती है। रूरी कहती है, मेरी हाफ सिस्टर की शादी है तो मैं उसके लिए एक बड़ा गिफ्ट लेके आई हूँ। और चुटकी बजाते ही बाबा वो वीडियो अपलोड कर देता है जिसमें वेलन का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। सब लोग बातें बनाने लगते हैं। वेलन कहती है, मिस्टर गुयन मेरी बात तो सुनो, बट वो उसको धक्का मार देता है, ये शादी कैंसिल। और फिर जाने लगा था, बाबा कहता है, डैडी कहाँ जा रहे हो, मुझे तो लेते जाओ। बट रूई रूई बाबा को लेके भाग जाती है। नेक्स्ट डे वेलन फिर से गुयन के ऑफिस में आ जाती है। वो कुछ बोलती है, वो कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, निकलो यहाँ से। वेलन कहती है, मुझे फंसाया गया है, वो वीडियो फेक थी, वो लड़की मैं नहीं थी वीडियो में, मेरी हाफ सिस्टर मुझे फंसाना चाहती है इसलिए उसने ऐसा किया। गुयन कहता, मुझे पागल मत बनाओ। बट वो चुपके से उसकी कॉफी में कुछ मिला देती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे माफ करो या ना करो, मैं नहीं कहीं जाऊंगी। तभी असिस्टेंट को बताता है कि बॉस रिपोर्ट आ गई, तो गुयन उसे बाहर निकलवा देता है। बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले गया था। असिस्टेंट बताता है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाबा आपका ही बेटा है। गुयन कहता है, उस लड़की कितनी हिम्मत, 5 साल से मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। रुई रुई को अभी मेरे ऑफिस में भेजो। और फिर अपनी कॉफी पीने लगा था और असिस्टेंट रुई रुई को उसके ऑफिस में जाने कहता है। बाबा किसी को मैसेज करता है, डैडी को मेरी आइडेंटिटी पता चल गई। रुई रुई के अंदर आते ही गुयन उसे पकड़ के खींच लेता है, तुम कब तक मुझसे झूठ बोलती रहोगी। वो कहती है, तुम ये कर क्या रहे हो, तुम मेरे बॉस हो, गैंगस्टर नहीं। गुयन कहता है, 6 साल पहले जो भी हुआ तुम सब वो भूल गई, और उसे किस करने लगा था। बट रुई रुई डॉक्टर बुला लेती है जो बताती है कि पॉइजन आपकी बॉडी से निकाल दिया है, जो उसे इंजेक्शन देके चली जाती है। सोचती है, ये गुयन कितना गिरा हुआ है, मैं ऐसे लड़के को अपने बच्चों का बाप नहीं बना सकती। तभी वहां पर वेलन आ जाती है। तूने गुयन को सिड्यूस कर उसके थप्पड़ मारने वाली थी। बाबा कहता है, मेरी मम्मी से ऐसे बात मत करो, डैडी इस बुरी लड़की को सबक सिखाओ। वेलन हैरान, ये जंगली बच्चा तुम्हें डैडी क्यों बोल रहा है। गुयन कहता है, बाबा मेरा बेटा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे जंगली बोलने की। रुई रुई हैरान, क्या कहा, बाबा तुम्हारा बेटा है। वेलन कहती है, 6 साल पहले वन नाइट स्टैंड तुम्हारा मेरे साथ हुआ था, इस रुई रुई के साथ नहीं। रुई रुई कहती है, यानी 6 साल पहले वाला वन नाइट स्टैंड में वो लड़के तुम थे। वेलन उस पर चिल्लाने लगी थी। गुयन कहता है, ये रही डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, और इससे प्रूफ हो गया है कि बाबा मेरा बेटा है। रुई रुई, अगर मैं डीएनए टेस्ट ना कराता तुम उससे कब तक सच को छुपा के रखती। बाबा उसे हकर लेता है, कहा था ना आप ही मेरे डैडी हो। रुई रुई कहती है, हो सकता है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट गलत हो। बाबा कहता है, मैंने चेकिंग की है, ये बिल्कुल सही है। गुयन कहता है, तुम 5 साल पहले मेरे इकलौते बेटे को लेकर भाग गई थी, मैं अभी इसे अपने घर लेके जाऊंगा। वो कहती है, जब मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट थी तब तुम कहाँ थे, मैंने इसे 5 साल से अकेले पाला, और अब तुम अचानक आकर इसे लेके जा रहे हो। गुयन कहता, भूलो मत उस रात मेरे साथ साथ तुम्हारी भी राजी थी। बाबा कहता है, डैडी मम्मी ने बहुत मेहनत की है मुझे और मेरी सिस्टर्स को पालने के लिए, बट वो उसे चुप रहने कहती है तो मुंह पे हाथ रख लेता है। गुयन कहता है, तुम बच्चे पे ऐसे चिल्लाती हो, ऐसे अच्छी मॉम बनोगी। बाबा कहता है, इसमें मम्मी की गलती नहीं है। गुयन कहता है, बाबा तुम मेरे साथ चलोगे, और उसे 2 मिलियन का कार्ड पकड़ाने लगा था कि अब से बाबा मेरा बेटा है। रूरू सोचती है, ये बहुत पावरफुल है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती, पर मैं बाकी बच्चों को पकड़े जाने से बचा सकती हूँ। गुयन बाबा को गोद में उठा लेता है, घर चलो मेरे साथ। वो कहता है, डैडी मम्मी के बिना नहीं रह सकता, क्यों ना मम्मी को भी अपने साथ ले चलो। रूरू सोचती है, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो बाकी 4 बच्चों का क्या होगा, और कहती है, मिस्टर गुयन तुम बाबा को घर ले जाओ, मैं सोचूंगी इसके बारे में। बाबा कहता है, मम्मी मुझे एलिवेटर तक तो छोड़ दो ना। फिर वो उसके साथ चलने लगी थी, और फिर कहता है, मम्मी डैडी मुझे किस करो ना प्लीज। तभी एलिवेटर से जिंजी निकलती है, मम्मी। रूरू सोचती है, कहीं मिस्टर गुयन उसे देख ना ले। मिस्टर गुयन उधर देखने वाला था, बट वो उसे पकड़ के किस कर देती है, जिससे वो एकदम हैरान और बाबा को हंसी आ जाती है। तो कहती है, मुझे जल्दी जाना होगा, और भाग के एलिवेटर में चली जाती है। जिंजी तुम यहाँ क्यों आई हो। जिंजी कहती है, बाबा ने बताया था कि हमारे डैडी मिल गए तो मैं स्पेशली उनसे मिलने आई हूँ। हेलो डैडी। बट वो जल्दी जल्दी एलिवेटर का बटन दबाने लगी थी, पर गुयन अंदर आ जाता है और उसे हाथ पकड़ के बाहर ले आता है। क्या ये बच्ची भी मेरी है। रूरू कहती है, बिल्कुल नहीं, जिंजिन तो बाबा से 1 साल बड़ी है। गुयन कहता है, झूठ मत बोलो, बिल्कुल बाबा के बराबर है ये, और काफी मेरे जैसी भी दिखती है, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा सच बताओ। बट वो उसे धक्का मार देती है, बोला ना जिंजिन तुम्हारी बेटी नहीं है, अगर विश्वास नहीं तो चेक कर लो।
वो कहता है मुझसे झूठ बोलने की सजा मिलेगी। असिस्टेंट कहता है बॉस ये दोनों बच्चे अब्रॉड में बड़े हुए हैं, इन दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं है पर जिनजिन के पासपोर्ट में बताया है कि वो बाबाओं से एक साल बड़ी है। रूरू सोचती है वैन लैंग को 5 बच्चों का सच ना पता चल जाए इसलिए मैंने बच्चों की बर्थ डेट आगे पीछे करवा दी थी, और कहती है देखा मैंने झूठ नहीं बोला था। गुयन कहता है बाबो मैं तुम्हें आज अम्यूजमेंट पार्क में लेके चलूंगा। बाबा बहुत खुश होता है। जिनजिन कहती है डैडी मुझे भी अम्यूजमेंट पार्क में जाना है। गुयन कहता है जिनजिन तुम मेरी बच्ची नहीं हो, अपने बायोलॉजिकल डैडी को बोलो अपने साथ ले जाने को। जिनजिन कहती है पर तुम ही मेरे डैडी हो ना, अगर यकीन नहीं तो मेरे हेयर्स लेके डीएनए टेस्ट करवा लो। रूरू उसे लेके जाने लगी थी। गुयन रोक के पूछता है जिनजिन का फादर कौन है, तो वो कहती है उसकी तो डेथ हो गई, और जिनजिन को पकड़ के ले जाती है। जिनजिन तुम उसे डैडी नहीं बोल सकती। जिनजिन कहती है पर बाबा तो बोलता है ना। वो कहती है मैं नहीं चाहती तुम्हारे डैडी को पता चले कि तुम सब उसके बच्चे हो, वरना वो तुम सबको मम्मी से छीन लेगा। क्या तुम मम्मी से दूर होना चाहती हो, और उसे अक्कड़ लेती है। गुयन कहता है पता करो बाबा और जिनजिन कौन से स्कूल में जाते हैं। फिर बाबा ड्राइंग करता है देखो मैंने हम सब फैमिली की फोटो बनाई है। जिनजिन कहती है वाओ इसमें डैडी तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। लिली कहती है मैंने मॉमी की अच्छे से स्टॉक ढूंढने में हेल्प की है, अब मॉमी को 5 मिलियन का प्रॉफिट होगा। हुआनहुआन कहती है लिली तू तो बहुत स्मार्ट है, हमें फिर से पॉकेट मनी मिलेगी। बाबा कहता है देखो डैडी ने मुझे न्यू टॉय दिलाया है। बीबी कहता है यानी हमारे डैडी तो बहुत मस्त हैं। बाबा कहता है और डैडी ने जिनजिन के लिए भी दिलाया है। जिनजिन कहती है वाओ बारबी डैडी तो बहुत अच्छे हैं। हुआनहुआन कहती है पर डैडी ने हमें क्यों नहीं दिलाया। जिनजिन कहती है क्योंकि डैडी को तुम लोगों के बारे में पता ही नहीं है। बीबी सोचता है मुझे भी डैडी से गिफ्ट चाहिए और बाहर को भागता है। इधर ग्रैंडमा मिस्टर गुयन से कॉल पे बात कर रही थी कि बता मेरा ग्रेट ग्रैंडसन कौन से स्कूल में पढ़ता है, मुझे उससे मिलने जाना है। बीबी रास्ते में भागता हुआ आ रहा था पर कार से टकरा के गिर जाता है जो ग्रैंडमा की कार थी, और वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने कहती है। उसे हॉस्पिटल ले आती है। बच्चे तुम तो बिल्कुल गुयन के जैसे दिखते हो। डॉक्टर कहता है क्या पता यही हो आपका ग्रेट ग्रैंडसन हो। ग्रैंडमा कहती है बच्चे तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ पर है। बीबी कहता है मेरी मम्मी गू कंपनी में काम करती हैं, ये रहा मेरा मम्मी का फोन नंबर, और मेरे डैडी भी वहीं काम करते हैं, मैं उनसे तो टॉयज लेने जा रहा था। ग्रैंडमा कहती है इसकी मॉम को कॉल करके बुलाओ यहाँ। गुयन को कॉल आता है कि ग्रैंडमा की उसके एम्प्लॉय के बच्चे के साथ टक्कर हो गई थी। इधर रूरू को भी कॉल आया था कि बीबी की चोट लग गई, तो वो जल्दी से भागती है। दोनों आपस में टकरा जाते हैं और रास्ता घेर रहे थे। वो कहता है तुम मुझसे इतना चिपक क्यों रही हो। रूरू कहती है चिपक मैं नहीं तुम रहे हो ताकि मेरा बच्चा छीन सकूं, और फिर दोनों गुस्से जाने लगते हैं। बट रूरू अपनी कार लेके आना भूल गई थी, तो वो भागकर जाकर गुयन की कार में बैठ जाती है। वो कहता है पहले मुझसे चिपक रही थी अब जबरदस्ती मेरी कार में बैठ गई। रूरू कहती है क्योंकि मुझे जरूरी काम है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। वो हैरान तुम्हें भी, कहीं वो बच्चा बाबा हो तो नहीं, और असिस्टेंट को कार चलाने कहता है। रूरू कहती है तुम भी हॉस्पिटल जा रहे हो। वो कहता है सर से बताओ क्या बाबा की चोट लगी है। रूरू सोचती है मुझे इससे बेबी के बारे में पता नहीं लगना देना चाहिए, और दर्द होने का नाटक करने लगी थी, मैं तो अपने लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। बट वो उसकी एक्टिंग को समझ रहा था कि झूठ बोल रही है। वो कहती है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, मुझे लाइक करते हो क्या। तो कहता है बिल्कुल नहीं। तो कहती है ओके हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। बट असिस्टेंट जानबूझ के झटका मारता है कि गुयन सीधा रूरू की गोद में गिर गया था। वो उसे धक्का मारती है तुम मेरा फायदा उठा रहे थे। वो कहता है मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। रूरू कहती है तो असिस्टेंट की जगह ड्राइवर रखो ना। गुयन कहता है असिस्टेंट तुम्हारे 5000 सैलरी से कट। असिस्टेंट बेचारा डर दूसरी तरफ झटका मारता है, तो रूरू उसकी गोद में गिर गई थी। अब तो मुझे ब्लेम नहीं करोगी ना। रूरू गुस्से में गुयन कहता है असिस्टेंट तुम्हारे सैलरी से अब 10,000 कट। असिस्टेंट बेचारा परेशान, और तभी ब्रेक लगते हैं जिससे दोनों एक दूसरे क्लोज हो गए थे। असिस्टेंट बताता है कि पहुंच गए हम। रूरू निकल के भाग जाती है। असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे लगता है हॉस्पिटल में बाबा नहीं जिनजिन है, अब जब वो हॉस्पिटल में ही है तो क्यों ना उसके साथ डीएनए टेस्ट करवा लेना। गुयन कहता है अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हारी सैलरी 20,000 बढ़ाता हूँ। तो असिस्टेंट बड़ा खुश होता है। बेबी ने ग्रैंडमा को बता दिया था कि मेरी मम्मी टॉप डिजाइनर स्कारलेट है। तभी रूरू भाग के आती है बेबी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो कहता है मम्मी बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि अब तो मैं डांस भी कर सकता हूँ। रूरू कहती है ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। वो कहता है मैं तो डैडी को ढूंढने जा रहा था। ग्रैंडमा कहती है तुम स्कारलेट हो ना, सॉरी मेरे ड्राइवर की गलती थी। मेरे ग्रैंडसन तुम्हारी कंपनी का प्रेसिडेंट है, और तुम्हारा बॉस मैंने कंपनसेट करने के लिए उसे भी बुला लिया है। रूरू कहती कोई जरूरत नहीं है, और बेबी को लेके जाने लगी थी। बेबी कहता है डैडी। गुयन कहता है बाबा बाबा की चोट लगी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। रूरू सोचती है तो इसने पहचाना नहीं कि ये बेबी है। हाँ बाबा और बेबी एक जैसे दिखते हैं ना। बेबी कहता है डैडी मैं बाबा नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती है तो ये मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है, और बहुत खुश होती है। उसे हक कर रही थी तुम्हारे डैडी ने तुम्हें टॉयज दिलाया है ना, तो मैं तुम्हें इससे भी बड़े टॉयज दिलवाऊंगी। रूरू बाबा को गोद में उठाकर भाग जाती है।
ग्रैंडमा कहती है तू खड़ा क्यों कर रहा है, उसके पीछे जा। वो कहते चिंता मत करो ग्रैंडमा, मैंने रूरू को पैसे दे दिए हैं, वो बच्चे वापस कर देगी। पर उसकी बेटी जिनजिन भी है, मुझे लगता है कि ये दोनों ट्विंस हैं, एक बार बस उसके साथ डीएनए टेस्ट करा लूं। ग्रैंडमा कहती है कोई जरूरत नहीं है, रूरू कितनी समझदार इंसान है, मुझे पक्का पता है वो दोनों ट्विंस ही होंगे, तेरे बच्चे ही होंगे, और मुझे नहीं लगता तू उसे पैसों से खरीद सकता है। वो कहता तो मैं क्या करूं, ग्रैंडमा कहती सिंपल है, उसे शादी कर ले, दोनों बच्चों घर ले आ और हैप्पी फैमिली बन के रहो। रूरू सब बच्चों को स्कूल से लेने आती है और बताती है कि तुम्हारे डैडी को जिनजिन और बाबा के बारे में पता चल गया है, अभी बेबी भी पकड़ा जाता इसलिए मुझे तुम सबको खोने का डर है। जिनजिन कहती है मम्मी चिंता मत करो, हम इतनी आसानी से डैडी के साथ नहीं जाएंगे। बाबा और बेबी कहते हैं पहले मम्मी डैडी में रोमांटिक रिलेशनशिप भी तो होना चाहिए। वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं है, मैं अपने बॉस के लिए फीलिंग्स कैसे रख सकती हूँ। तभी बेबी को छोड़कर अब बाकी सबको वॉशरूम जाना था, तो उन सबको वॉशरूम लेके जाने लगती है। इतने में गुयन आ जाता है बाबा, भागकर जाकर वो उसे हकड़ लेता है और सोचता है डैडी मुझे अब भी बाबा समझ रहे हैं, पर मम्मी ने कहा है अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी। गुयन उसे गोद में उठा लेता है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तुम अकेले क्यों खड़े थे यहाँ पे। इतने में बाबा भी भाग के आ जाता है, डैडी। गुयन एकदम हैरान, दो दो बाबा, तुम दोनों तो बिल्कुल सेम हो, ट्विंस। बेबी कहता है भाई मम्मी ने मना किया था बताने को। गुयन कहता है अगर तुम बाबा हो तो तुम कौन हो। वो कहता है मैं बेबे हूँ। गुयन खुश होता है। गुयन कहता है दो बेटे बाबा और बेबे और तीसरे जिनजिन, यानी मेरे तीन बच्चे हैं ट्रिपलेट्स। वो दोनों सोचते हैं रियल में तो पांच हैं, पर अभी डैडी को नहीं बता सकते वरना मम्मी सैड होंगी। तभी रूरू जिनजिन को लेके आ रही थी और जिनजिन भागकर आ जाती है, डैडी, और तीनों से हक कर रहे थे। वो पूछते तुम यहाँ क्यों आए हो, बट वो सब करके पुश कर देता है, तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला और तुमने मुझसे क्या क्या छुपा रखा है। वो कहती है क्या मतलब, तो कहता है बाबा और बेबी ट्विंस हैं, जिनजिन को मिला के ट्रिपलेट्स हुए वो। वो कहती है मेरी बात सुनो, बाबा और बेबी तुम्हारे बच्चे हैं पर जिनजिन तुम्हारी नहीं है। गुयन कहता है झूठ मत बोलो, मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बताओ। वो कहती है तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। गुयन कहता है फोर्स तो तुम कर रही हो ताकि मैं तुमसे शादी कर लूं। वो कहती है शादी क्या मतलब, तो कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ शादी के लिए। रूरू कहती है पर मैंने शादी के लिए हाँ नहीं किया, तुम कंपनी में मेरे बॉस हो पर मेरी पर्सनल लाइफ में मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। गुयन कहता है तुमने इतने सालों से बच्चों को अकेले पाला, उन्हें अपने बाप से दूर रखना क्या बच्चों के लिए सही होगा। रूरू से कहती है बच्चों के सामने ऐसी हरकत मत करो, माँ बाप की लड़ाइयों से बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। गुयन कहता है सही कहा, बच्चों के सामने माँ बाप को काफी लविंग होना चाहिए, और उसे किस करने वाला था बट वो उसकी मुंडी पकड़ लेती है, पता नहीं है लड़कियों के साथ जबरदस्ती नहीं करते। गुयन कहता है अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। तभी वो देखती है हुआन हुआन और लिली आ गए हैं। गुयन उन्हें देखना ले इसलिए वो उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लगी थी। हुआन हुआन और लिली भाग के छुप जाते हैं। हुआन और लिली छुप के उन्हें देखने लगी थी और बाकी बच्चे काफी खुश हो रहे थे। गुयन हैरान और एकदम दूर हो जाता है। रूरू कहती है मैंने सोच लिया है, तुम बाबा और बेबी का ध्यान रखो, अगर उन्हें खुश रखोगे तो मैं कुछ सोचूंगी इस बारे में। गुयन कहता है तो तुम गू कंपनी के सीईओ को टेस्ट करोगी। वो कहती है बच्चों के मामा होने के नाते इतना तो करना जरूरी है। गुयन कहता है ओके, पर मैं सिर्फ बीबे और बाबा को ही नहीं जिनजिन को भी लेके जाऊंगा अपने साथ। तभी अचानक जिनजिन भी होश जाती है। रूरू परेशान होने लग गई थी, जिनजिन को क्या हो गया, क्या इसने पीनट खाए हैं। तो वो दोनों जल्दी से गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेके भागते हैं। गुयन रूरू को एक मेडिसिन देता है, ये एलर्जी की है, जिससे जिनजिन की कंडीशन बेटर होने लगी थी। तो वो कहता है जिनजिन को घर पे ले चलते हैं। वो कहती है तुम पागल हो गई, इसे एलर्जी है, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। गुयन कहता है गु फैमिली के डॉक्टर एलर्जी का स्पेशलिस्ट है। वो कहती है यानी तुम्हें भी पीनट से एलर्जी है। गुयन कहता है तो जिनजिन मेरी बेटी है ना। डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि जिनजिन अब ठीक है। तब जाकर वो सब चैन की सांस लेते हैं। गुयन कहता है मैं पहले तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन रहा था पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यों ना हमें फैमिली बनकर साथ रहने का ट्राई करना चाहिए। तभी असिस्टेंट बाबा और बेबी को लेके आ गया था। ग्रैंडमा खुश होकर बच्चों को रेड एंड वेल्वेट दिलवाती हैं और रूरू को वहीं रुकने को बोल रही थी कि तुम दोनों साथ होगे तो बच्चे और भी खुश होंगे। और बट वो सोचती है हुआन हुआन और लीली घर पे अकेली हैं और बहाना मार के चली जाती है। ग्रैंडमा ने बच्चों के लिए स्पेशल खाना बनवाया था तो वो बहुत खुश होते हैं। बच्चों की बातें सुन ग्रैंडमा कहती हैं देखा रूरू ने इन्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, अब तू भी अपने बाप होने का अच्छे से फर्ज निभाना। रूरू खाना बना रही थी पर थोड़ा सैड लग रही थी। हुआन हुआन लीली भाग के आती हैं। मॉमी आज आपने हम दोनों की फेवरेट डिश बनाई है, क्या आपको डर है कि डैडी हमें भी ले जाएंगे। रूरू कहती है मैं तुम दोनों को तुम्हारे डैडी से दूर रख रही हूँ, क्या तुम दोनों सैड हो। लिली कहती है नहीं मॉमी हम आपको समझ सकते हैं, अगर आपको डैडी के लिए फीलिंग नहीं है तो आप जबरदस्ती मत करो। रूरू कहती है पता नहीं बेबे बाबा और जिनजिन उस गू फैमिली में कैसे रहेंगे, सुना है वेल्थी फैमिलीज बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। दोनों बच्चे हैरान, स्ट्रिक्ट। वो कहती हाँ बच्चों को वहाँ स्नैक्स नहीं खाने देते, सिर्फ मिल्क और वेजिटेबल्स खानी होती हैं। बट इधर ये दोनों मजे से स्नैक्स खा रहे थे
जो स्पेशली गुयन उनके लिए लेके आया था, तुम्हें जो पसंद है वो सब खाओ। रूही बताती है अमीर फैमिली के बच्चों को स्कूल के बाद भी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, जैसे कि पियानो, फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग। वो दोनों सैड हो रही थी, बट इधर ये दोनों गेमिंग के मजे ले रहे थे। और गुयन उन्हें बता रहा था कि मैंने आज के लिए पूरा म्यूजियम बुक करवा लिया है, आज तुम डायनासोर वर्ल्ड में भी चलोगे। वानर और लिली कहती हैं, सही कहा, सबसे अच्छी मॉमी है हमारी। बट इधर गुयन भी जिनजिन को मजे दिलवाता है, पहले स्नो वाइट का रोल और फिर मुलान का, और वो उसके हंसने की वीडियो बना रहे थे। जिनजिन कहती है, मैं भी मुलान की तरह आर्मी ज्वाइन करूंगी। उसकी ये वीडियो देख के रूरू गुस्सा हो जाती है, वो मेरी बच्ची को आर्मी में भेजना चाहता है। हॉन हॉन और लिली बोर हो रही थी तो कहती है, मैं भी तुम दोनों को बाहर मजे कराने लेके जाऊंगी, हम बहुत मजे करेंगे। वो दोनों खुश होती हैं तो कहती है, कल तो फ्राइडे है, काम पर जाना है, तुम दोनों पहले स्कूल जाना, बाद में जाएंगे। तो दोनों सैड। तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि स्कूल के बाद उनका डैडी फिर से उन्हें घुमाने लेके जाने लगा था। रूरू उसे छुप के देख रही थी। वो अनहन कहती है, क्या हुआ मम्मी? लिली कहती है, मम्मी डैडी से छुप रही हैं क्योंकि सिर्फ अब हम ही दोनों मम्मी की बच्ची बची हैं। गुयन की कार ले जाने के बाद वो कहती है, अब तुम दोनों बाहर आ सकती हो, और उन्हें स्कूल छोड़ने आती है। टीचर कहती है, अभी तो तीन बच्चों को उनके डैडी लेके गए हैं और अब दो को तुम अलग से छोड़ने आई हो। रूरू कहती है, इनफैक्ट टीचर, वो लड़का मेरा हस्बैंड नहीं है, हम दोनों बच्चों के साथ अलग अलग रहते हैं। टीचर सोचती है, लगता है ये दोनों बच्चियाँ उस आदमी की बच्चियाँ नहीं होंगी, ये बच्चों की नजायज मॉम है, और कहती है, तुम अपने आप छोड़ दो, और गुस्सा चली जाती है। फिर स्कूल में खेलते हुए एक लड़का हुआन हुआन और लिली को धक्का मार देता है। जिनजिन आके उनकी हेल्प करने लगी थी और बेबे और बाबा उस लड़के से फाइटिंग करने लगते हैं, तूने हमारी सिस्टर्स को हाथ कैसे लगाया बे, और इस बात को लेकर उनमें फाइट हो जाती है। मिस्टर गुयन को कंपनी में आते गर्ल्स बातें बना रही थी, वाओ कितना हैंडसम है, इसकी वेलनेस एंगेजमेंट टूट गई है, यानी हमेशा हंस मिल सकता है। तभी रूही भक्ति आ रही थी, उसे टकरा जाती है। गुयन कहता है, तुम मेरे टेंशन पाने में सक्सेसफुल रही, क्या रोमांटिक नॉवेल्स से पढ़ के ये सब कर रही हो? वो कहती है, सॉरी मिस्टर गुयन, आप इस एलिवेटर में जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। बट वो उसे पकड़ के अंदर खींच लेता है, ज्यादा भाव खा रही हो। ग्रैंडमा बोल रही थी मैं तुम्हें चेस करूं, पर तुम तो खुद ही मेरे क्लोज होने के लिए नॉवेल्स पढ़ रही हो। वो कहती है, बकवास बंद करो। तो कहता है, बताओ तुम्हें कैसा कन्फेशन पसंद है, कैंडल नाइट डिनर, रोमांटिक फेरिस व्हील या फिर फायर क्रैकर्स? रूरू कहती है, तुम सीरियस तो हो ना, बिल्कुल स्कैरी लग रहे हो। गुयन कहता है, बचपन में मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, तब से लेके मैं हंसा ही नहीं हूँ कभी, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे भी अपनी मॉम के बिना रहें, तो क्यों ना तुम मुझे हंसना सिखाओ। रूरू कहती है, तुम ऐसे हंस सकते हो? बिल्कुल मत हंसना, बहुत डरावने लगते हो। तभी दोनों को स्कूल से फोन आता है, बेबी और बाबा प्रॉब्लम में है। रूरू सोचती है, अगर ये मेरे साथ स्कूल जाएगा तो उसे हुआन हुआन और लिली के बारे में पता चल जाएगा। वो जाने लगा था तो उसे रोक लेती है, हमारे बच्चों को बुली किया गया है तो तुम कोई डंडा ढूंढ के ले आओ पहले। हुआन हुआन कहती है, तुमने मम्मी को कॉल नहीं किया, वो अभी तक आई नहीं है। बेबी कहता है, मम्मी बिजी होंगी, अच्छा होगा डैडी को कॉल कर दें। जिनजिन कहती है, बिल्कुल नहीं, डैडी को इनके बारे में पता चल जाएगा। तभी रूरू आती है, सारे बच्चे उसे हक कर लेते हैं। हुआन हुआन कहती है, अगर मम्मी डैडी में फीलिंग्स नहीं हुई तो मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। रूरू हुआन हुआन और लिली को छुपा देती है कि मैं तुम्हें बाद में अम्यूजमेंट पार्क में लेके जाऊंगी। इतने वहां पर गुयन डंडा लेके आ गया था और रूरू भी मॉप उठा लाती है। तीनों बच्चे खुश होते हैं, मम्मी डैडी हमें मिलके बचाएंगे। टीचर कहती है, तो तुम दोनों हो उन जंगली बच्चों के माँ बाप, कोई गैंग लीडर होके ऐसी हरकतें कर रहे हो। तभी वहां पर वो दूसरा बच्चा अपनी मम्मी को बुला लाता है कि इन तीनों ने मुझे बुली किया। बेबी कहते, झूठ मत बोल, फाइटिंग तूने स्टार्ट की थी पहले। उस बच्चे की मॉम कहती है, तो तू है इन जंगलियों की माँ, मिस्ट्रेस, ये प्रेटी बॉय को तूने हायर किया है ना? बट गुयन उसके थप्पड़ मार देता है तो तीनों बच्चे हैरान। वो कहते, तुझे पता नहीं मेरा हस्बैंड कौन है? टीचर कहती, मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला। गुयन कहते, वैसे भी तुमने हमें गैंग लीडर बोल दिया है, तो मैं तुम्हें गैंगस्टर की पावर दिखाता हूँ। उस बच्चे की मॉम कहती है, मेरा हस्बैंड गु ग्रुप का मिस्टर चैन है, समझ लो कि वो सीईओ का भाई जैसा है। गुयन कहता है, रियली, तुम्हारा हस्बैंड मेरे भाई जैसा है? तो वो हंसने लगी थी, तू क्या खुद को गू कंपनी का सीईओ समझता है? मेरे हस्बैंड ने स्कूल में 10 मिलियन डोनेट किए हैं, तो ये स्कूल वाले मेरी बात ही मानेंगे। वो बच्चा कहता है, मैं चाहता हूँ इन पांचों ब्रदर सिस्टर को स्कूल से बाहर निकलवा दो। पर रूरू बीच में बात काट देती है ताकि गुयन को ना पता चल जाए। उस बच्चे की मॉम कहती है, याद आया, तो वैन फैमिली की बेटी है ना रूरू, जिसने किसी जंगली से प्रेगनेंट होकर 5 बच्चों को जन्म दिया था। बट रूरू उसके थप्पड़ मार देती है। गुयन पूछता है, तुमने 5 बच्चों को जन्म दिया था? तो वो कहती है, नहीं, ये झूठ बोल रही है। बच्चे की मॉम कहती है, मैं अपने हस्बैंड को बुलाकर तुम सबसे घुटनों का बैठ के माफी मंगवाऊंगी और तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करवा दूंगी। रूरू कहती है, अच्छा हस्बैंड, मुझे डर लग रहा है, अब हम क्या करेंगे? गुयन कहता है, वाइफ चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर चैन कंपनी का मैनेजर है ना।
तभी वहां पर मिस्टर चन आता है। किसने मेरी वाइफ और बेटे को बुली किया? उसकी वाइफ और बच्चे कहते हैं इन जंगलियों ने हमें बुली किया है। पर जैसे मिस्टर चन गुयन का फेस देखता है डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया था। बॉस आप यहाँ पर? उसकी वाइफ कहती है क्या कर रहे हो? तो कहता है पागल कहीं की तू भी घुटनों के बल बैठ। वो बच्चा कहता है क्या हुआ डैडी? तो कहता है तुझे दिख नहीं रहा ये तेरे बाप का भी बाप है। उसकी वाइफ कहती है जल्दी से मिस्टर गुयन को बुला के इसे सजा दिलवाओ। तो वो उसके थप्पड़ मार देता है यही मिस्टर गुयन है। प्लीज बॉस हमें जाने दो। गुयन कहता है मैं तुम्हें फायर करता हूँ। मिस्टर चन अपनी वाइफ के थप्पड़ मारने लगा था तो वो भी माफी मांगने लगती है मुझे पहले नहीं पता था। और दोनों जाने लगते हैं। रूरू कहती है किसने कहा हमने तुम्हें माफ कर दिया? हबी तुम इन दोनों के साथ कैसे डील करोगे? वो कहता है जैसे ही हमारे साथ करने वाले थे बिल्कुल वैसा ही। असिस्टेंट इनकी फैमिली को बैंकक्रप्ट कर दो और साथ में इन्हें 500 मिलियन का कंपनसेशन देना होगा। तो वो सब उनके पैरों में गिर गए थे और माफी मांगते हैं। बट वो दोनों तीनों बच्चों को लेके जाने लगते हैं। रूरू सोचती है हुआन हुआन और लीली तो अभी स्कूल में ही है और कहती है तुम तीनों बच्चों को घर ले जाओ मुझे अभी सुपरमार्केट से कुछ लेके आना है। वो कहता है अभी तो मुझे हबी बोल रही थी इतनी जल्दी पलट भी गई। तो कहती है अब हमारा काम हो गया है ना हम तो नाटक कर रहे थे। गुयन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ सुपरमार्केट चलूंगा। वो कहती नहीं तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो कहती है नहीं तो चलो साथ में चलते हैं फिर। इधर मिस्टर चैन की वाइफ गुस्से में थी और वो वेनलैंग की फ्रेंड होती है तो उसे कॉल कर देती है। ये दोनों तीनों बच्चों को लेके जा रहे थे पर रूरू को हुआन हुआन और लीली की आवाज आती है तो कहती है तुम जाओ मैं भी आती हूँ और भाग जाती है। जिनजिन कहती है ऐसा लगा जैसे हुआन हुआन और लीली हमें बुला रही है। बेबी और बाबा कहते हैं लगता है उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। इधर गुंडों ने इन दोनों को उठा लिया था बट वो दोनों काट के भागती हैं पर गिर गई थी और आगे खड़ी थी वेनलैंग। तुम दोनों को कौन बचाएगा? और उन दोनों किडनैप करके ले जाती है। रूरू पीछे भागती है पर वैन तो चली गई थी। तभी उसे फोन आता है तेरी बेटियां हमारे पास हैं तो पहले गू कंपनी से रिजाइन करके हमारे पास आ इस एड्रेस पे। इधर तीनों बच्चे मजे से खा रहे थे और बताते हैं कि डैडी और ग्रैंडमा हमारा पेट भर गया है और फिर भाग कर आकर लैपटॉप से अपनी मम्मी हुआन हुआन और लीली की इन्फॉर्मेशन निकालने लगे थे तो पता चलता है कि वो दोनों किडनैप हो गई। तभी वहां पर रूरू आती है। बाबा कहता है मम्मी मैंने आपको हुआन हुआन और लीली की लोकेशन सेंड कर दी है वो दोनों यही मिलेंगी। जिस दिन कहती है क्यों ना हम डैडी को बता दें या फिर पुलिस को। रूरू कहती है अभी किसी को बताना ठीक नहीं होगा इससे बच्चों की लाइफ डेंजर में आ सकती है। अगर मैं थोड़े टाइम में वापस नहीं आई तो तुम ये लेटर अपने डैडी को दे देना। वो दोनों कहते हैं ओके मम्मी ध्यान रखना। गुयन कहता है क्या हुआ? तो दोनों कहते हैं कुछ नहीं बहुत बड़ा घर है ना हम देख रहे थे बस। रूरू उसी एड्रेस पे आती है और गुंडों से बताती है कि मैंने रिजाइन कर दिया है अब मुझे मेरी बच्चियां वापस कर दो। बट वो उसे भी किडनैप करके ले जाते हैं। इधर गुंडों ने दोनों बच्चियों को एक जेल वाले बॉक्स में बंद कर रखा था। लीली कहती है हुआन हुआन हम घर कब जाएंगे मुझे मम्मी की याद आ रही है। हुआन हुआन कहती चिंता मत कर मम्मी और भाई हमें जरूर बचाने आएंगे। और गुंडों से कहती है मुझे वॉशरूम जाना है जरा गेट खोल देना थोड़े टाइम के लिए। जैसे गुंडे गेट खोलने लगे थे लीली उसके कान में कहती है तू भाग जाना। हुआन हुआन कहती है ठीक है मैं तुझे बचाने जरूर आऊंगी वापस। लीली कहती है अब छोड़ो मुझे बताओ मेरे बच्चे कहाँ पे हैं। बट वो गुंडा तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था तो कहती है मिस्टर गुयन तुझे छोड़ेगा नहीं। गुंडा कहता है उसे पता चलेगा तभी तो। पर रूरू उसके लात मार देती है और अपनी रस्सी काट के उसकी गर्दन पे चाकू रख दिया था। बता तुझे किसने भेजा है? गुंडा बता देता है वेनलैंग ने। तो वो उसे मार के ढूंढने निकल गई थी पर इतने में वेनलैंग आ जाती है और उसके गुंडे उसे फिर से पकड़ लेते हैं। रूरू कहती है मुझे पता तेरी मुझसे दुश्मनी है पर गुयन के बच्चों को किडनैप क्यों किया वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वेनलैंग कहती है पर उसे इन दो बच्चों के बारे में पता ही नहीं है अगर मैं इन्हें मार भी दूंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वीडियो दिखाती है दूसरी वाली कहाँ पे गई। गुंडा बताता है कि दूसरी वाली तो भाग गई पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जंगल में उसे कोई ना कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वेनलैंग कहती कोई बात नहीं मैं तेरी उस दूसरी वाली बच्ची लीली को बेच दूंगी। इधर मिस्टर गुयन हैरान था कि वो अभी तक आई नहीं। असिस्टेंट आगे बताता है कि उसने रिजाइन कर दिया। इधर तीनों बच्चे देखते हैं मम्मी अभी तक नहीं आई तो वो लेटर लेके भागते हैं। गुयन फोन करता है पर रूरू का फोन लग ही नहीं रहा था तो कहता है जल्दी से उसे ढूंढो। इतने बच्चे भागकर आकर उसे लेटर पकड़ा देते हैं। गुयन ने असिस्टेंट को हैकर को ढूंढने को बोला था तभी बाबा को कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है आप ही वो हैकर हो ना क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो। बेबी कहता है ये तो हमारी मम्मी है ना कौन इन्हें ढूंढ रहा है। असिस्टेंट को देख कहते हैं लगता है डैडी। जिनजिन कहती है अगर हम डैडी को बता देंगे तो हन हन और लीली पकड़े जाएंगे पर अगर नहीं बताएंगे उनकी लाइफ रिस्क में डल सकती है। बाबा अपना लैपटॉप निकाल लेता है कि हुआन हुआन तो बच के भाग गई वहां से तो डैडी को इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं वो जाकर मम्मी और लीली को बचा लेंगे कम से कम मम्मी के पास हुआन हुआन तो बचेगी ना। इधर रूरू रो रही थी मेरी बच्ची को छोड़ दे मैं कुछ भी करूंगी जो तू कहेगी। वेनलैंग कहती है ओके घुटनों के बल बैठ के मेरा जूता चाट। वो झुकने लगी थी इतने में वहां पर मिस्टर गुयन आ जाता है। वेनलैंग उसे रोकती है बट वो कहता है दूर हटो और रूरू को खड़ा करता है।
वीडियो देख रहता है, ये सब चल क्या रहा है? क्या मेरी एक और बेटी है? तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। रूरू कहती है, प्लीज हमारी बेटी लिली को बचा लो। वैलन कहती है, गुयन वो तुम्हारी बच्ची नहीं है, बट वो उसको थप्पड़ मार देता है और असिस्टेंट लिली को बचा कर ले आया था। तो रूरू उसे अक्कड़ लेती है। असिस्टेंट ने पुलिस भी बुला ली थी गुंडों को पकड़ने के लिए। लिली कहती है, मम्मी इस बुरी लड़की को छोड़ना मत बिल्कुल भी। बाबा कहता है, डैडी को अब लिली के बारे में पता चल गया है। बेबी कहता है, और हुआनहुआन का क्या होगा? बाबा कहते हैं, चिंता मत करो, उसे पुलिस ने बचा लिया है। तभी हुआनहुआन आती है तो वो सब बहुत खुश होते हैं कि वो ठीक है। बाबा कहता है, अब तू ही बस मम्मी की अकेली बच्ची बची है, तो तू मम्मी का ध्यान रखना। हुआनहुआन कहती है, हम सब साथ क्यों नहीं हो सकते हैं? बेबी कहता है, क्योंकि मम्मी डैडी में अभी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। बाबा कहता है, पर हमें कोई तो तरीका ढूंढना होगा मम्मी डैडी को साथ करने का। और वो सब मिलके एक प्लान बनाते हैं। ग्रैंडमा बच्चों को बताती हैं कि तुम्हारे डैड बचपन से बहुत स्मार्ट हैं और गु फैमिली भी काफी रिच है, तो काफी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं, इसलिए तो गुयन को किसी लड़की को चेस करना नहीं आता। इतने में लिली आ जाती है तो बच्चे बहुत खुश होते बताते हैं कि ये हमारी ग्रैंडमा है। ग्रैंडमा भी खुश होती है, वाह मेरे कितने ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड हैं। गुयन और रूरू आगे थे तो ग्रैंडमा रूरू को थैंक यू करती है, तुमने गु फैमिली को इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए, और अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा देती है। रूरू मना कर देती है, मैं कौन सा बच्चे बेच रही हूँ, और सोचती है अभी तो हुआनहुआन भी है। ग्रैंडमा कहती है, तुम दोनों को अपनी रिलेशनशिप बढ़ानी चाहिए, तभी तुम दोनों मिलकर बच्चों को पाल पाओगे। और उसे क्रेडिट कार्ड पकड़ाने लगी थी, बट वो कहती है, कोई जरूरत नहीं, मेरे पास सैलरी है। बॉस मिस्टर गुयन, तुम मेरा रिजाइन लेटर रिजेक्ट कर दो। वो कहता है, ऑफकोर्स कर दूंगा, पर तुम्हारी सैलरी 10 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती। ग्रैंडमा उसे डांटती है तो कहता है, ओके ओके इसकी सैलरी 50 मिलियन। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तभी लिली को मैसेज आता है तो बताती है कि मम्मी मैंने आपके लिए वैन फैमिली के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं, अब वैन कंपनी आपकी है। रूरू हैरान। बाबा कहता है, और हमने वैन फैमिली के सारे कांड पुलिस को एक्सपोज कर दिए हैं, वो पकड़े गए सब के सब। ग्रैंडमा कहती है, वाओ मेरे सारे ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन तो बहुत जीनियस है। गुयन कहता है, क्यों ना आज रात तुम हमारे साथ डिनर करो। रूरू सोचती है, और वो उन्होंने घर पे अकेली होगी, और कहती है, मुझे अभी जाके वैन कंपनी के मामले सुलझाने हैं, तो तुम बच्चों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाओ, मैं अभी आती हूँ। तो ग्रैंडमा से डांटती है, तुम्हें अभी उसका दिल जीतना पड़ेगा। फिर बच्चों से बताने लगी थी कि उनकी मम्मी को क्या क्या पसंद है। बेबी कहता है, मम्मी को एप्स वाले पसंद है, आपके हैं। और फिर चारों बच्चे कहते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे मम्मी को चेस करने में। फिर चारों की एंट्री होती है तो एम्प्लॉयज उनके फोटो खींचने लगे थे, कितने क्यूट बच्चे हैं। सिस्टर्स कहती है, तुम दोनों मम्मी का फोन ले आओ, हम दोनों डैडी का लेके आते हैं। और मिशन के अकॉर्डिंग दोनों भागती हैं डैडी के पास। डैडी जल्दी से अपना फोन दे दो, हम आपको मम्मी का वीचैट दिलवा देंगे। और दोनों फोन उठा के ले आए थे तो स्कैन करके कहती हैं, अब डैडी मम्मी फ्रेंड बन गए। बीबी और बाबा रूरू का फोन रख के भाग जाते हैं। उसे गुयन का मैसेज आता, ऑफिस में बुला रहा था, तो वो हैरान थी, इसे मेरा वीचैट कहाँ से मिला, और इग्नोर कर रही थी। बट वो फिर से मैसेज करता है, बच्चों ने बुलाया है, जल्दी से आ जाओ। तभी वो गुस्से से आती है, तुम बहाने बना रहे हो, पर देखती उसकी तबीयत खराब है तो कहती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है, मेरे हार्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो एम्बुलेंस को कॉल करने लगी थी तो कहता है, नहीं नहीं मुझे इस वक्त आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत है। रूरू कहती है, तुम ये सब नाटक कर रहे हो? चारों बच्चे कहते हैं, मम्मी को फंसाना इतना आसान नहीं है। वो जाने लगी थी तो कहते हैं, मम्मी प्लीज डैडी को बचा लो। रूरू कहती है, आप समझी, तुम सब इसके साथ मिले हुए हो, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे डैडी की हेल्प करूं। वो सब हाँ करते हैं तो वो उसकी मुंडी पकड़ लेती है। बच्चे आइस पे हाथ रखने लगे थे, उन्हें लगा किस होगा, बट वो उसकी नोज बंद कर देती है, तुम कब तक सांस रोक के रखोगे। तो गुयन आइस खोल के उसका हाथ हटा देता है, तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? बट रूरू गुस्से चली जाती है, और बच्चों का प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो गया था। और फिर कहते हैं, डैडी सैड मत हो, हम आपको मोटिवेट करेंगे, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं, मम्मी को कभी किसी लड़के से प्यार नहीं होगा। तभी रूरू जा रही थी, उसकी फाइल गिर जाती है, एक लड़का उसकी हेल्प करता है और उसका नंबर मांगने लगा था। वो सब हैरान। बाबा कहता है, मुझे नहीं पता था मम्मी इतनी फेमस है, लड़के उन्हें देखते नंबर लेंगे। जिंदन कहती, जल्दी जाके मम्मी को बचाओ। तो वो दोनों भाग कर जाकर अपनी मम्मी को हक कर लेते हैं। वो लड़का एकदम हैरान, तुम्हारे बच्चे भी हैं, और भाग जाता है। तभी गुयन दोनों बच्चों को लेके आता है, तुमने मेरे लिए किसी और लड़के को रिजेक्ट कर दिया, मान जाओ अंदर ही अंदर तुम भी मुझे लाइक करती हो। वो कहती है, मैंने उस लड़के को तुम्हारी वजह से नहीं अपने बच्चों की वजह से रिजेक्ट किया है, तो अपना ये ओवर कॉन्फिडेंस अपने पास रखो। बाबू कहता है, लगता है अब तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और फिर गुयन जब चारों बच्चों को स्कूल छोड़ने आता है, वहीं पे हुआनहुआन बैठी खेल रही थी तो वो उसे देखने लग जाता है, बट वो उसके चाहते ही चारों भागकर हुआनहुआन के पास आते हैं, तो ठीक तो है ना, और उसे अपने अपने खिलौने निकाल के देने लगे थे। बेबी कहता है, ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे सरप्राइज पसंद ना हो, तो डैडी आपको मम्मी को सरप्राइज देना होगा। गुयन उसका वेलकम करने के लिए तैयार था, जैसी वो आती है उसे चल ही नहीं रहा था, और फिर एकदम से उसके मुंह पे चल जाता है कि वो डरी जाती है, तो गुस्से चली जाती है। बाबा कहता है, डैडी आप मेरा विश्वास करो, ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे फ्लावर पसंद ना हो,
और वैसे भी मम्मी को कभी कोई फ्लावर्स नहीं मिले हैं। रूरू जब अपने ऑफिस में आती है तो इतने सारे फ्लावर बुके रखे थे, सब इम्प्लॉयज तारीफ करने लगते हैं, वाओ सो ब्यूटीफुल। वो दोनों खुश होते प्लान काम कर रहा है, पर रूरू ने तो छींकना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट उसे फ्लावर से एलर्जी है। हटाओ इन सबको, बाबा कहता है। अब पता चला मम्मी फ्लावर्स कभी क्यों नहीं खरीदती थी। फिर वो चारों सैड बैठे थे। लिली कहती है, मम्मी जो बेड टाइम स्टोरी सुनाती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। जिनजिन कहती है, हर लड़की को काइंड और केयरिंग बिहेवियर पसंद आता है। वो कहता है, चलो इसे ट्राई कर लेते हैं फिर। रूरू जैसे आती है वो उसके लिए कार का गेट खोलता है और कहता है, क्या तुम्हें कोई खुशबू आ रही है? वो कहती है, नहीं। तो कहता है, जैसे तुम आई यहाँ की हवा स्वीट हो गई। वो कहती है, तुम ठीक तो हो ना? कितनी फ्लर्टी लाइंस बोल रहे हो। वो कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा हार्ट मैसअप हो गया है। तो कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? तो कहता है, तो क्यों ना तुम फिर इस हार्ट में आके सब ठीक कर दो। बट वो उसे पागल बोल के चली जाती है। घर आके देखती है हुआन हुआन को, तो कहती है, क्या तुम्हें अकेलापन तो नहीं लग रहा? वो कहती है, नहीं तो मम्मी है ना मेरे पास। रूरू कहती है, अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि तुम अपने ब्रदर सिस्टर के साथ नहीं रह पा रही हो मेरी वजह से। हुआन हुआन कहती है, मम्मी मैं चाहती हूँ आप अपनी खुशियाँ ढूंढो। और फिर नेक्स्ट डे वो हुआन हुआन को स्कूल लेके आती है तो सारे बच्चे उसे हक कर लेते हैं। तो बच्चों को बताती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारे डैडी को सब कुछ कन्फेस कर दूंगी, हुआन हुआन के बारे में भी, ताकि हम सब तुम्हारे डैडी के साथ एक अच्छी फैमिली बन के रह सकें। वो सब बहुत खुश होते हैं। वेलन कहती है, पर मैं तुझे कभी खुश नहीं रहने दूंगी। और उरू की असिस्टेंट को मैसेज करती है तो बताती है कि हमें एक नए क्लाइंट से मिलना है, मिस्टर तियाओ से। रूरू जाने लगी थी पर गुयन आके ऑफिस का गेट बंद कर लेता है और उसे टेबल पर ठंड लगा था। वो कहती है, पागल हो गई वो कंपनी है। गुयन उसे बताता है कि मैंने और बच्चों ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो तुम आज रात को जरूर आना। वो कहती है, मैं कभी नहीं आने वाली। तो कहता है, देख लो बच्चे डिसअपॉइंट होंगे। तो वो हाँ कर देती है। फिर गुयन के जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट के साथ मिस्टर त्याओ से मिलने आती है ताकि मीटिंग की बात कर सके। बट मिस्टर त्याओ तो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो उसे अवॉइड कर रही थी और कोल्ड ड्रिंक की जगह नॉर्मल पानी पीती है। और फिर जब वो गोल्फ खेलने लगी थी तो उसके असिस्टेंट उसे कोल्ड ड्रिंक पकड़ा देती है जिसे पीने से उसका सिर चकराने लगा था। और मिस्टर त्याओ उसे पकड़ के रूम में ले जाता है। असिस्टेंट गुयन से कहता है, बॉस क्यों ना आप मैडम को सरप्राइज दो, आप ही उन्हें खुद लेने जाओ। गुयन कहता है, अच्छा आइडिया है, तुम्हारी इस मंथ की सैलरी डबल। रूरू कहती है, असिस्टेंट तुम भी इसके साथ मिली हुई हो? असिस्टेंट कहती है, और नहीं तो क्या, अगर कंपनी में तू ना आती तो चीफ डिजाइनर की पोजीशन मेरी होती। रूरू कहती है, तुझे गुयन से डर नहीं लगता? तो कहती है, गुयन को पता चलेगा तब तक तू बर्बाद हो चुकी होगी। और फिर मिस्टर त्याओ उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था और वो चिल्ला रही थी। इतने में गुयन रूरू को पिकअप करने आ जाता है। असिस्टेंट को जाते देखता है तो वो उसे पूछने लगा था, रूरू कहाँ पे है? असिस्टेंट डरने लगी थी और जैसे भागने लगती है उन दोनों को पता चल जाता है कोई तो गड़बड़ है। गुयन कहता है, इसे बाद में देख लेंगे, पहले रूरू को ढूंढते हैं। और रूरू के चिल्लाने की आवाज सुन रूम में आ जाता है तो मिस्टर त्याओ को गुस्सा मार गिरा देता है। वो कहता है, कौन है बे तू? मिस्टर गुयन तुम्हें ऐसी लड़की के लिए मुझे मार रहे हो, अपना नुकसान करना है? असिस्टेंट उसे लात मार के गिरा देता है। गुयन कहता है, अब तेरी कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो कहता है, तुम इस जंगली लड़की की साइड ले रहे हो? इसका पता नहीं किसी स्ट्रेंजर के साथ बनेट सेंड था, इसने 5 जंगलियों को जन्म दिया था। पर गुयन उसे लात मारता है, 5 बच्चे? मिस्टर ताओ कहता है, सबको बताया, अगर यकीन नहीं तो पता लगा ले। तो गुयन समझ जाता है कि रूरू ने उस टाइम 5 बच्चों को जन्म दिया था। और असिस्टेंट से कहता है, इस मिस्टर ताओ को बैंकरप्ट करवा दो। वो पैरों में गिर जाता है तो उसे लात मार के भगा देता है। पर रूरू नशे में थी और उठ के गुयन को हक करने लग जाती है तो असिस्टेंट मुंह छुपा के भाग गया था। फिर जब मॉर्निंग में उसकी आईज खुलती है तो उसे देख एकदम हैरान, मुझे नशा दिया था? वो कहता है, हाँ कुछ ज्यादा इफेक्टिव था। क्यों अब तो मुकर रही हो? रूरू कहती है, मुकरना क्या है, मैं तो पहले तुम्हारे बच्चों को जन्म दे चुकी हूँ। वो कहता है, क्यों ना हम अपनी रिलेशनशिप लीगली चेंज कर ले? बट वो कहती है, कोई जरूरत नहीं, हम बड़े हैं। तो कहता है, तुम मान क्यों नहीं जाते तुम मुझे लाइक करती हो? वो नर्वस होने लगी थी और सोचती है, क्या मैं सच में इसे लाइक करती हूँ? गुयन कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। तो कहती है, कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है, क्यों अब भी मुझसे कुछ छुपा रही हो? चलो आज बच्चों को स्कूल में साथ में लेने चलते हैं। और फिर उसे लेके आता है। तुम इतना स्लो क्यों चल रही हो? क्या कल रात वाला मॉन्स्टर फिर से आ गया? मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? वो कहती है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं होश में हूँ। और शर्मा के जाने लगी थी। असिस्टेंट उसे स्कूल लिस्ट में नाम दिखाता है कि रूरू के 5 बच्चे हैं। गुयन कहता है, तो इसका मतलब हुआन हुआन भी मेरी बेटी है। रूरू आती है तो 5 बच्चे उसे हक कर लेते हैं। बट हुआन हुआन पीछे छुप रही थी और बताती है कि मम्मी के डैडी ने मुझे देख लिया है तो डैडी को पता चल जाएगा। वो कहती है, सॉरी हुआन हुआन, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारे डैडी को कन्फेस कर दूंगी। तो सब बहुत खुश होते हैं। पर तभी वैनलैंग एक बॉटल लेके आती है उसे मारने के लिए। हुआन हुआन कहती है, मम्मी बचो। और वो आगे आ गई थी तो बॉटल लगने से हुआन हुआन बेहोश हो जाती है। रूरू रोने लगी थी, वैनलैंग भाग जाती है। इतने में मिस्टर गुयन भी आ गया था और वो उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं।
रूरू की तो हालत ही खराब थी। लिली गिर जाती है तो गुड़िया ने उसे गोद में उठा लेता है। वो रो रही थी तो उसे छुपाता है। डॉक्टर पूछता है क्या किसका आरएच नेगेटिव ब्लड है। गुयन कहता है मेरा, और वो ब्लड देने लगा था पर रूरू उसे रोक देती है कि तुम हॉनहुन की डैड हो, उसे ब्लड नहीं दे सकते। गुयन डॉक्टर से कहता है जल्दी से ब्लड बैंक का इंतजाम करो, और ब्लड देकर हॉनहुन को बचा लेते हैं। तभी ग्रैंडमा चाहती है ये भी मेरी ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है। आखे कितने बच्चे हैं, रूरू बता देती है। इनफैक्ट उस टाइम मैंने 5 बच्चों को जन्म दिया था, ये सब मेरी गलती है, मुझे सच नहीं छुपाना चाहिए था। देखिए अब क्या हो गया। ग्रैंडमा कहती तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, ये सब उस वैन लैंग की गलती है, मैंने उसे पुलिस को पकड़वा दिया है। तभी हॉनहुन उठती है तो वो सब उसकी चिंता करने लगे थे। गुयन कहता है डैडी तुम्हें घर ले चलेगा, तो वो खुश होती है। फिर वो जैसे घर आते हैं चारों बच्चे हमारा इंतजार करते करते यहीं सो गए। तभी वो चारों उठ जाते हैं और भागकर जाकर सबको हक कर लेते हैं और पूछते हैं मम्मी डैडी क्या हुआ। वो दोनों हाथ पकड़ के बताते हैं कि हम दोनों अब साथ में हैं, तो बहुत खुश होते हैं कि अब तो हमारी फैमिली है। हॉनहुन कहती है मम्मी डैडी किस करो ना प्लीज, तो गुयन रूरू की चिक्स पे किस कर देता है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर वो बताता है कि अब हम दोनों शादी करेंगे तो रूरू मेरी लीगल वाइफ बन जाएगी। फिर नेक्स्ट दिन में उन दोनों की शादी होने वाली होती है तो रूरू की एंट्री होती है उसके 5 बच्चों के साथ। लिली रिंग पकड़ाने लगी थी पर बाबा चेंज कर देता है। वो कहती है ये मम्मी डैडी की एक्सचेंज रिंग है, तो कहता है मैं तो भूल ही गया था। और फिर गुयन और रूरू एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं और फिर किस करने लगे थे तो सारे बच्चे चिल्ला पड़ते हैं और 5 खुद ही अपने मम्मी डैडी को किस करने लग जाते हैं। फिर क्या वो सब साथ में खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।